भोकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म पतित पावन परम करुणामय नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपादष्टोतर सत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभा में उपस्थित सभी सन्यासी वृंद, ब्रह्मचारी वृंद एवं जितने भी श्रोता हैं सभी को मैं यथायोग्य अभिवादन करता हूँ। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। टॉपिक तो मेरा कुछ और था पर ये भगवत गीता ने मेरा टॉपिक चेंज कर दिया। पर भगवत गीता या भगवान कृष्ण की इच्छा से जो होगा बढ़िया होगा। पूरे संसार में भगवत गीता और हरे कृष्ण महामंत्र ये दो ऐसे हैं जिनका प्रचलन जिनका प्रचार सबसे ज्यादा है। भगवत गीता आज हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं हमारी जो इंटरनेशनल लैंग्वेजेस हैं लगभग सभी लैंग्वेजेस में ये अनुवाद हो चुकी है और आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी अपने पे प्राउड होगा कि हम कितनी महान परंपरा से जुड़े हुए हैं। आज भगवद गीता भारत की और विश्व की 544 भाषाओं में अनुवाद हो चुकी है। ये भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके बारे में श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने लिखा गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादि विनिस्त्रिदः। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है व्यास जी कहते हैं यह किसी ऋषि की लिखी हुई पुस्तक नहीं यह किसी विद्वान की कोई विचारधारा नहीं या स्वयं पद्मनाभस्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण की बोली हुई है। कहते अगर भगवान की वाणी आपके पास है जिनके हम हैं यतो वाई मानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति जिन भगवान से हम आए हैं जिन भगवान के हम हैं जिन भगवान के द्वारा हमारा अस्तित्व है वो भगवान हमको दिशा निर्देश कर रहे हैं तो हमको औरों की बात सुनने की जरूरत है। इसलिए व्यास जी कहते हैं अगर आपके हाथ में भगवत गीता है कि मन्य शास्त्र विस्तरई और ग्रंथों को खोलने की जरूरत ही क्या है। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता को इतने सुंदर तरीके से हमारे सामने जो पेश किया गया उसमें जो भगवत गीता पढ़ने के या सुनने के नियम है उसमें एक नियम बताना चाहूंगा क्योंकि 10 मिनट बोलना है। एक नियम यह है
भगवत गीता में जहां पर अर्जुन कुछ कहते तो वहां पर लिखा है अर्जुन उवाच, उवाच माने कहा, अर्जुन ने कहा। जहां पर संजय कुछ बोलता है तो वहां पर लिखा है संजय उवाच। धृतराष्ट्र ने कुछ लिखा तो वहां पर लिखा धृतराष्ट्र उवाच। लेकिन जब श्री कृष्ण कुछ कहते हैं तो वहां पर श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है, वहां पर लिखा है श्री भगवान उवाच। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हमें यह बताना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ये कोई देवता नहीं, ये कोई मनुष्य नहीं, ये कोई अतिमानव नहीं, ये कौन है? श्री भगवान है, ये भगवान स्वयं भगवान है। श्री कृष्ण की गीता पढ़ी, श्री कृष्ण की गीता सुनी, श्री कृष्ण की गीता की एक्सप्लेनेशन कर दी, बड़ी अच्छी या जैसे भी, और श्री कृष्ण को श्री भगवान नहीं माना, तब भगवत गीता समझ में नहीं आ सकती। एक बात। दूसरी बात, जब आप किसी भगवत गीता के अध्याय को पूरा पढ़ेंगे तो वहां पे नीचे लिखा होता है इति भगवत गीतासु उपनिषत्सु श्री कृष्ण अर्जुन संवादे जो भी विषाद योग सांख्य योग नाम ये अध्याय। इति भगवत गीतासु उपनिषत्सु, ये भगवत गीता उपनिषद है, हर अध्याय के लास्ट में लिखा हुआ है। उपनिषद क्या होता है? उप माने नजदीक, निषद माने ले जाना। जो शिक्षा, जो रास्ता, जो उपदेश, जो ग्रंथ आपको भगवान के नजदीक ले जाते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। और जितनी भी उपनिषद हैं उनका सार है भगवत गीता। ये व्यास जी ने खुद लिखा है गीता महात्म में, सर्व उपनिषदों गावो, सारे उपनिषदों की अगर तुलना गाय से करें तो गाय के साथ बछड़ा भी होना चाहिए, तो बोले बछड़ा भी है। सर्व उपनिषद गावो वत्स पार्थ, जो अर्जुन है वो बछड़े की तरह है। बोले गाय है बछड़ा है तो ग्वाला भी तो होना चाहिए। बोलो स्वयं कृष्ण गोपाल नंदन, दुग्धा दूध क्या है? ये गीता का जो अमृत है ये दूध की तरह है, इसको पान करा जाए। महामंत्र के बारे में मैं बोल रहा था, ये तो भगवत गीता की बात है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी ऋषि ने नहीं लिखा, किसी विद्वान की कल्पना नहीं है, ये स्वयं भगवान की वाणी है जिनके हम हैं। ये भगवत गीता वो ग्रंथ है जो हमको भगवान की तरफ ले जाता है। भगवान की तरफ ले जाने वाला ग्रंथ भगवान की वाणी में। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम, ये भगवान के द्वारा दिया रास्ता कि अगर बच्चों मेरे पास आना चाहते हो ये रास्ता है। भगवान ने जो रास्ता बताया, एक तो वो इजीएस्ट वे होगा, एक वो शॉर्टेस्ट वे होगा। कोई और बताएगा गलत रास्ता भी हो सकता है, वो लंबा घुमा फिरा के भी हो सकता है, वो कठिन रास्ता भी हो सकता है, लेकिन भगवान अपनी प्राप्ति का जो रास्ता अपने बच्चों को बता रहे हैं वो आसान होगा और सरल होगा और शॉर्ट होगा। महामंत्र की क्या विशेषता है? ये महामंत्र ऐसा मंत्र है जिस महामंत्र को आज पूरा विश्व गा रहा है, चाहे वो अमेरिका कंट्री है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हैं, इवन मुस्लिम कंट्रीज हैं, सब जगह ये महामंत्र चल रहा है। बोले कैसे चल रहा है? मैं आपको बताऊं, आज हमारा जो गौड़िया मठ है
और हमारा जो स्कॉन है और जो संस्थाएं कर रही है उनका अलग बात है, पर हमको अपना पत्र परिवार का बताया, हमारे स्कॉन और गौड़िया मठ पूरे विश्व में आज 4000 से ज्यादा सेंटर्स हैं जो भगवत गीता का और हरिनाम का प्रचार कर रहे हैं, और हमारे 62,000 प्रचारक आज इसी काम में लगे हुए हैं भाई साहब। 62,000 प्रचारक आज हमारे भगवत गीता को और हरे कृष्ण महामंत्र को प्रचार कर रहे हैं। हमारा जो चैतन्य गौड़िया मठ है, हमारा जो स्कॉन है, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। एक मंदिर बना दिया, कृष्ण जी वहां पर हैं, थोड़ा सत्संग कीर्तन, नहीं, हमारा एक मिशन है, उस मिशन पे चल रहे हम चैतन्य गौड़िया मठ वाले, स्कॉन वाले। मिशन क्या है? परम आराध्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, जिनके शिष्यों ने आज पूरे विश्व में भगवद गीता का और हरिनाम संकीर्तन का प्रचार का बीड़ा उठाया हुआ है, उन्होंने जब गौड़िया मठ की स्थापना करी थी तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था हमें। वो स्लोगन है, वो मोटो है, वो हमारा मिशन है। वो क्या है? उन्होंने लिखा, बैक टू गॉड एंड बैक टू होम इज द मैसेज ऑफ गौड़िया मठ। हमारा गौड़िया मठ किस मिशन पे काम कर रहा है, हमारा स्कॉन किस मिशन पे काम कर रहा है? बैक टू गॉड, इस संसार में और भटकने की जरूरत नहीं है, अपने प्रभु के पास वापस चले। बैक टू होम, अपने घर वापस चले। सारे जीवों को वापस घर की ओर ले जाने का मिशन हमारे गौड़िया मठ का है, जिसके लिए 62,000 प्रचारक और 4,000 सेंटर्स काम कर रहे हैं। और ये महामंत्र और भगवद गीता करती क्या है, उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा मैं, और उसी के साथ समापन। स्टोरी यह है, एक धनी व्यक्ति था, उसने ना फलों का एक बगीचा बनाना था, तो फलों के बगीचे के लिए वो तीन बंदे लेके आया और तीनों की अलग अलग ड्यूटी लगा दी। पहले की ड्यूटी लगाई, वो जो फल के पेड़ होंगे, छोटे छोटे पौधे हैं, उनको लगाने, तो पहले की ड्यूटी लगाई, तूने खड्डा खोदना है। दूसरे की ड्यूटी लगाई, कहते ये खड्डा खोदता रहेगा, तूने इसमें पेड़ लगाने, कई बार आम का, कई बार पपीते का, कई बार लीची का, कहते पेड़ लगाने। और तीसरे की ड्यूटी लगाई, तूने फटाफट मिट्टी भरनी है, अपना अपना काम करते रहो, फटाफट काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, ठीक है, कल आ जाना सुबह, कहते 9 बजे। वो आ गए 9 बजे, बैठ गए। पहला वाला बैठा है, पहले वाले की क्या ड्यूटी है, पहले वाले की क्या ड्यूटी है, मतलब सुन रहे ध्यान से, पहले वाले की ड्यूटी उसने खड्डा खोदना, वो आ गया, और तीसरे वाले की ड्यूटी खड्डा भरना, वो भी आ गया, बीच वाला आया नहीं। वो बैठे रहे, इंतजार करते रहे, करते रहे, 9 बज गए, 10 बज गए, वो आए नहीं। फिर दोनों आपस में बात करते हैं, यार उसके लिए कब तक वेट करते रहेंगे, हमारी भी दिहाड़ी मारी जाएगी, चलो हम तो अपना काम करें। पहले वाले ने खड्डा खोदा, दूसरे वाले ने भरा, उन्हें खड्डा खोदा, भर दिया, ऐसे में पूरे बगीचे में खड्डे खोद दिए और भर दिए। ये हम लोग कर रहे हैं, दुनिया में आए और चले गए। किस लिए आए थे? वो बीच वाला काम, वो भी तो वो था, उसके लिए तो पहला और तीसरा काम था। ये भगवत गीता बताती है कि वो पेड़ कौन सा लगाना है, वो भगवत गीता बताती है आना है और जाना है, बीच में क्या करना है, वो भगवत गीता बताती है। और अगर बोलो भगवत गीता तो संस्कृत में है, समझ में नहीं आती तो महामंत्र है, महामंत्र करते रहो। हमारे चैतन्य महाप्रभु बोला, ये महामंत्र इतना प्रभावशाली है, चेतो दर्पण मार्जनम, आपके चित्त में जितना गंद है सारा निकाल देगा। भव महादावाग्नि निर्वापनम, ये महामंत्र तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं उसको हटा देगा, जन्म मृत्यु को चक्र समाप्त कर देगा।
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, यह महामंत्र इतना पावरफुल है आपको ऐसी भूमिका में ले जाएगा जहां पर आपको नजर आएगा सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है और जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है। और इसके बाद जिसके लिए मैंने श्लोक उठाया, विद्यावधु जीवनम, हर तरह का ज्ञान आपको उपज जाए। मैं किस लिए आया हूं, मैंने क्या करना है, मैं कौन हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है और उस संबंध को डेवलप कैसे करना है, यह महामंत्र सारा समझा देगा। तो दो चीजें हमारे पास अनमोल वस्तुएं हैं, एक भगवद गीता और एक महामंत्र। बोलो श्रीमद् भगवद गीता की, महामंत्र जरा दोनों हाथ खड़े करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।